इसलिए मैं रामचरितमानस पे जो मुझे कार्य मिला वो पाठ शोध का था। राम का न्याय सरल है, सबके समझने वाली है, तीनों आपको मनीष ठीक। हिंदी और उर्दू पर बराबर की पकड़ रखने वाले खैराबाद के मशहूर शायर डॉक्टर अब्दुल अजीम खैराबादी उर्फ अर्चन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने न सिर्फ हिंदी के दोहे लिखे हैं बल्कि उर्दू के कई कलाम और शायरियां भी पेश किए हैं। आपने रामचरितमानस पर भी शोध कार्य किया है, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके से उन्हें ये प्रेरणा मिली और आगे उन्होंने किस तरीके से ये सब कार्य किया है। देखिए, मैं रामचरितमानस पे जो मुझको कार्य मिला वो पाठ शोध का था। रामचरितमानस या रामकथा क्यों सारे संसार में मशहूर है, इसका भी एक कारण है कि राम का बड़ा किरदार है, बल्कि अल्लामा इकबाल तो इमाम हिंद इसीलिए कहते हैं आपको। और मैं ये बता दूं कि अलग अलग विभिन्न भाषाओं में, जैसे बंगला, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि तमाम भाषाओं में राम कथा लिखी गई, और ये रामचरितमानस उत्तर भारत में अधिक प्रसिद्ध हुई। इसका कारण भी है कि ये बहुत आसान भाषा में, अवधि भाषा में लिखी गई। आधार ग्रंथ हमने काशी विश्वविद्यालय की तुलसी ग्रंथावली को बेस बनाया, उसको लेकर हमने इसका पाठ किया, और उसमें तमाम पाठ भेद हमको मिले, जिनको नीचे मैंने अंकित कर दिया है और उचित पाठ को ऊपर रखा है, ताकि पाठक या पढ़ने वाला उसको समझे कि कौन सा पाठ उचित हो सकता है। और ये टेक्निकल और साइंटिफिक काम है, इसलिए एक एक शब्द के कई कई शब्द मिले, उनको भी नीचे दर्शा दिया गया है। और इस प्रकार ये काम हमने पाठ शोध पर किया है, और इसकी भाषा निहायत सरल है, सबके समझने वाली है, और राम का बड़ा संदेश है, इस देश की धरती से जुड़ा हुआ संदेश है, और संस्कृत भी हमारी यही है, हमारी तहजीब भी यही है, तो उसका मैसेज भी हमको मिलता है। तो ये थे हमारे साथ सीतापुर के अजीम शायर अब्दुल अजीज़ खैराबादी, जिन्होंने न सिर्फ कौमी एकता पर काम किया है बल्कि रामचरितमानस पर शोध कार्य करके तमाम लोगों के लिए एक नई मिसाल पेश की है। नीरज श्रीवास्तव, ईटीवी भारत, सीतापुर।